हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th के इंग्लिश एनी कॉम बुक का चैप्टर नंबर 4 द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम करने जा रहे हैं। तो बच्चों, एशेज का मतलब होता है राख और ब्लूम का मतलब होता है खिलना। तो ये कौन सी राख है जिसने पेड़ को खिलने पर मजबूर कर दिया? तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। बच्चों, ये स्टोरी बहुत ही इमोशनल स्टोरी है और आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सॉलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। तो बच्चों, ये कहानी जो है एक बहुत ही ईमानदार और हार्ड वर्क करने वाले बूढ़े कपल की है, यानी कि बूढ़े पति पत्नी दंपति की है, और साथ में उनके साथ उनका एक पेट डॉग है, उसकी भी ये स्टोरी है। बच्चों, जो उनके पड़ोसी होते हैं वो बहुत ही परेशान करने वाले पड़ोसी होते हैं, जैसे ईर्ष्या करने वाले, जलन करने वाले और उनके काम को हमेशा बिगाड़ने वाले, इस तरीके के पड़ोसी होते हैं उनके। और जो वो ओल्ड कपल का कुत्ता होता है वो एक बहुत ही दुखद मृत्यु मारा जाता है, लेकिन फिर भी मरने के बाद भी उसकी जो स्पिरिट होती है, यानी कि जो उसकी आत्मा होती है, कुत्ते की आत्मा, वो उस ओल्ड कपल को, जो उसके हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट मालिक थे, उनको अलग अलग तरीके से सपोर्ट करती रहती है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वेज में सपोर्ट करती रहती है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। In the good old days of Demios, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. The old dame made it a cushion of blue crepe, and at mealtime, Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. The kind people feed the pet with the tidbits of fish from their own chopstick and all the boiled rice it wanted. Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a bean with a soul. तो बच्चों, डेमियोस का मतलब हम यहाँ देख सकते हैं, इसका मतलब होता है 19th सेंचुरी में जापान में इसका मतलब था वेल्दियर लैंडलॉर्ड्स, यानी कि पैसे वाले बहुत ही अमीर लैंडलॉर्ड्स इनको कहा जाता था। तो जब पुराने ज़माने में बहुत ही वेल्दी जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स रहा करते थे जापान में, वहाँ पर एक ओल्ड कपल, एक बूढ़ी दंपत्ति भी रहते थे, हस्बैंड वाइफ भी रहते थे, और उनके पास एक पैट डॉग भी था। और क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे तो वो उस डॉग को बहुत ही प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, अपने बेबी की तरह प्यार करते थे, जैसे कि वो उनका खुद का बच्चा हो। जो बूढ़े कपल थे उन्होंने उसके लिए एक कुशन बना रखा था ब्लू कलर का, जिस पे वो मील टाइम में, यानी कि खाने के समय में, वो बैठता था इस तरीके से, इतना कंफर्टेबल होकर के बैठता था, जैसे कि कैट्स बैठते हैं ना, अपने आप को एकदम अच्छे से कंफर्टेबल पोजिशन में बना करके इस तरीके से बैठता था। बच्चों, उस डॉग का नाम मुको था, और वो जो काइंड कपल थे वो उस कुत्ते को खाना जो है अपनी ही चॉपस्टिक आपने देखी होगी ना, वो जो डंडी सी होती हैं जिसकी हेल्प से वो लोग खाना खाते हैं, जैपनीज लोग आपने कार्टून में देखा होगा, तो इस तरीके से वो अपनी ही चॉपस्टिक से उस कुत्ते को खाना खिलाते थे, फिश खिलाते थे, बॉयल्ड राइस खिलाते थे, जितना उन्हें चाहिए था, उस कुत्ते को जितना खाना होता था उतना खिलाते थे, और वो इतना उसको प्यार करते थे कि वो जो डम क्रिएचर था, यानी कि वो जो मूक प्राणी था, कहते हैं ना बेजुबान जानवर, वो भी समझता था कि उसके प्रोटेक्टर्स जो हैं वो उसको इतना प्यार करते हैं, तो फिर वो भी जो डॉग था वो भी उन दोनों को नहीं प्यार करता था जैसे कि एक वो सचमुच का इंसान हो, क्योंकि जैसे वो ओल्ड कपल उसको इतना प्यार कर रहे हैं, उसी तरीके से वो भी उनको उतना ही प्यार करता था जैसे कि वो सचमुच एक इंसान हो। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक ओल्ड कपल हैं जिनके पास एक पेट डॉग है, और उनके क्योंकि कोई बच्चे नहीं है तो उस बच्चे उसको कुत्ते को इतना प्यार करते हैं जैसे कि उनका खुद का बेबी है, और उसको अच्छे से एक इंसान के बच्चे की तरह अपने साथ खिलाते हैं, अपनी ही चम्मच से खिलाते हैं, और उसको जितना खाना खाना होता है वो सब उसको देते हैं, हर तरीके की कंफर्ट लाइफ प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद होए और स्पेड इनटू द फील्ड वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल ओट एंडो सामा एज द सन इज कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स फॉर द ओल्ड फेलो।
was the patient and kind to everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. तो बच्चों जो वो old couple होता है उनमें से जो बूढ़ा आदमी होता है क्योंकि वो rice farmer है यानी कि चावल की खेती करने वाला इंसान होता है वो farmer होता है तो वो हर सुबह जब भी सुबह होती है तो अपने होए और स्पेड अपने औजार लेकर के खेतों की तरफ चला जाता है और सुबह से लेकर के जब तक सूरज जो है वो नीचे नहीं आ जाता मतलब शाम नहीं हो जाती सूरज ढल नहीं जाता तब तक वो काम करता है और जो उनका कुत्ता है वो भी उसे हमेशा उसके काम के लिए फॉलो करता है मतलब उसके साथ साथ वो भी हमेशा खेत जाता है और रास्ते में जो वो ओल्ड मैन जो है वो आगे आगे चल रहा होता है तो उसके फुट स्टेप के पास से कोई कीड़ा ना आकर के उसको काट ले तो वो हमेशा डॉग जो है उसको साइड में उठा करके वॉर्म्स को फेंकता रहता है इस तरीके से वो हमेशा मतलब अपने मालिक की केयर करता है। वैसे तो बच्चों फार्मर्स का हमें पता है कि फार्मर्स के जो दुश्मन होते हैं वो बर्ड्स होते हैं क्योंकि वो उनके सारे अनाज को खा जाएंगे लेकिन ये जो फार्मर होता है राइस फार्मर ये जो बूढ़ा आदमी है ये इतना काइंड होता है और इतना पेशेंस वाला इंसान होता है कि ये बर्ड्स के लिए ग्रेन्स डालता है बर्ड्स के लिए भी दाने डालता है ताकि बर्ड्स भी हैं वो भी खाना खा सकें उनको भी खाना देता है मतलब उसके दिल में किसी भी एनिमल के लिए या किसी भी ह्यूमन के लिए कोई भी पाप नहीं है और वो हमेशा ही सबका भला करता है। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरिड बोन और बिट ऑफ फिश द ओल्ड मैन स्टक हिज होए इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। तो बच्चों एक दिन क्या होता है वो जो उसका कुत्ता है जो वो खेत में काम कर रहा होता है आदमी तो उसका कुत्ता जो है भाग करके उसके पास आता है और अपने हेड से जो है एक स्पॉट की तरफ एक जगह की तरफ ना इशारा कर रहा होता है तो फार्मर को लगता है कि हाँ भाई उसका जो कुत्ता है वो खेलने के मूड में है और वो ज़्यादा माइंड नहीं करते उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उसे लगता है कि अच्छा उसका कुत्ता जो है वो खेलने के मूड में और बार बार इधर उधर इशारे कर रहा है सर से कि वो उधर आ जाए उसके साथ वहाँ खेले लेकिन जब थोड़ी देर तक जो कुत्ता है वो टू एंड फ्रो इधर उधर घूमता रहता है यहाँ वहाँ जाता रहता है वो हर मिनट में और कुछ ना कुछ सर हिला करके और भाग के दौड़ के इशारा कर रहा होता है तो फिर वो बूढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे आता है उस स्थान तक जहाँ पर वो कुत्ता उसको ले जाना चाहता है और फिर वहाँ जा करके वो जो कुत्ता है वो कुछ स्क्रैच करने लगता है ज़मीन पर खोदने लगता है तो उस बूढ़े आदमी को लगता है कि यहाँ पे शायद जमीन के अंदर कोई हड्डी होगी या कोई फिश होगी मरी हुई वो उसमें कहीं पर उसकी हड्डी वड्डी कुछ पड़ी होगी तो ये कुत्ता जो है उसको खाना चाहता है और चाहता है कि ये इसके लिए उसको खोद दे तो वो आदमी अपने होए से अपने औजार से उस धरती पर छेद करता है खोदना शुरू करता है और फिर वहाँ पे उसे दिखता है कि बहुत सारा गोल्ड जो है उस वहाँ पे बहुत सारा गोल्ड दबा हुआ होता है। दजिन एंड आर द ओल्ड कपल वर मेड रिच द गुड सोल्स बाउट अ पीस ऑफ लैंड मेड अ फीस for their friends and give plentiful to their poor neighbors. As for the dog, they pitied him till they nearly smothered him and kindness. तो बच्चों थोड़ी ही देर में क्योंकि इतना सारा वहाँ पे गोल्ड होता है ना इतना सारा गोल्ड देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना सारा गोल्ड उस आदमी को मिल जाता है तो वो एक घंटे के अंदर ही वो ओल्ड कपल जो है वो बहुत ही रिच इंसान बन जाते हैं क्योंकि उनके पास अब बहुत सारा पैसा हो गया है तो वो लोग क्या करते हैं अपने लिए ना एक ज़मीन खरीदते हैं और फिर वो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं फीस्ट का मतलब होता है भोजन तो भोजन ऑर्गेनाइज करते हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए और थोड़ी बहुत जो मदद उनसे हो सकती है वो अपने पुअर नेबर्स की अपने गरीब जो पड़ोसी थे उनकी भी मदद करते हैं उनको भी कुछ कुछ दान में दे देते हैं और वो कुत्ते को तो इतना प्यार करते हैं पहले ही उसको इतना प्यार करते थे अब तो उसे और प्यार करते हैं और उसको इतना हमेशा सहलाते रहते हैं जब तक कि उनका मन नहीं भर जाता इतना काइंडली उसको हमेशा प्यार करते रहते हैं। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्ड ऑल डॉग्स व्हेनेवर दे पास देयर हाउस हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे कॉक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर
gentees, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. तो बच्चों उसी गांव में जहां पे वो ओल्ड कपल रहते थे, ओल्ड ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग कपल रहते थे, उसी गांव में एक और बहुत ही धूर्त, बहुत ही मक्का टाइप के ओल्ड हस्बैंड वाइफ रहा करते थे, बूढ़े पति पत्नी रहा करते थे, और वो बिल्कुल भी सेंसिटिव और बिल्कुल भी काइंड नहीं थे, बहुत ही अनसेंसिटिव से और अनकाइंड से लोग थे, और वो इतने ख़राब थे कि वो उनके घर के पास से कोई भी अगर कुत्ता गुजरता था तो उसको लात मार करके और उसको स्कॉल्ड करके, गालियाँ वालियाँ दे करके वहाँ से भगा दिया करते थे। और जब उन्हें पता चलता है कि उनके ही गांव के एक कपल ने, उनके पड़ोसी, इनका गुड लक उनका कुत्ता लेकर के आया है, यानी कि उस ऑनेस्ट कपल के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से उनके कुत्ते ने उनके लिए ट्रेजर ढूंढा और उनको अमीर बना दिया, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उस कुत्ते को पकड़ करके अपने गार्डन में लेकर के आते हैं और उसके सामने बहुत सारी फिश ला करके रख देते हैं, बहुत सारा टेस्टी टेस्टी खाना ला करके रख देते हैं। डेंटीज का मतलब होता है बच्चों टेस्टी फूड्स, बहुत सारा टेस्टी फूड्स ला के रख देते हैं ताकि वो खाए, और हो सकता है फिर वो भी उसके लिए, वो कुत्ता जो है उनके लिए ट्रेजर ढूंढ दे कहीं से, उनको भी अमीर बना दे। लेकिन कुत्ते को तो उनका बिहेवियर पता होता है क्योंकि उसको भी पहले कभी ना कभी इन्होंने डांटा होगा और मारा होगा और भगाया होगा, तो वो उनसे इतना डर रहा होता है कि ना तो वो उनका खाना खाता है जो उन्होंने खाना उसे ऑफर किया था, ना तो उसे खाता है और ना ही कहीं मूव करता है, कहीं जाता है। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर टेकिंग अ स्पैड एंड होए विद देम। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। तो फिर वो क्या करते हैं, जब देखते हैं कि कुत्ता तो ना हिल रहा है ना कुछ खा रहा है, तो वो क्या करते हैं, उसको खींच करके दरवाजे से बाहर ले करके जाते हैं और साथ में अपना होए और अपना जो स्पेड है, अपने जो ज़मीन खोदने के औजार हैं, उनको भी साथ लेकर के जाते हैं वो दोनों हस्बैंड वाइफ। और फिर थोड़ी देर बाद ही वो जो कुत्ता होता है वो एक पाइन ट्री के नीचे गार्डन में ना कहीं पे खोदने लगता है, अपने पाँव से स्क्रैच करने लगता है ग्राउंड को, ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ पे कोई ट्रेजर हो, वहाँ पे कोई खजाना हो उसके नीचे। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पीड एंड होए क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद द जॉय। लालची बूढ़ा आदमी होता है वो अपनी बीबी से कहता है जल्दी से मेरा स्पेड और होए लाओ, और वो बहुत ही खुशी से डांस करने लगता है कि अब तो उन्हें भी ट्रेजर मिलने वाला है। देन द कोवेटियस ओल्ड फेलो विद द स्पेड एंड द ओल्ड क्रॉन विद द होए बिगेन टू डिग, बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड सर देयर नोज़ेस। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। द ओल्ड वेमैन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हैड विद द शार्प होए, देन दे फ्लंग हिम इन टू द होल एंड हीव द अर्थ ओवर दे हिज कारकेसेस। तो बच्चों वो जो ग्रीडी कपल होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने स्पेड और अपने जो भी हथियार होते हैं होए वगैरह उनकी हेल्प से उस जगह पर खोदने लगते हैं जहाँ पर उस डॉग ने स्क्रैच करके उनको इशारा किया है। और फिर वो जब खोदते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, बस एक मरी हुई बिल्ली मिलती है और जिसमें से इतनी गंदी बदबू आ रही होती है कि वो कपल को जो जिस टूल से वो लोग वो उस गड्ढे को खोद रहे थे उनको फेंकना पड़ता है, नीचे ज़मीन में रखना पड़ता है और अपनी नाक बंद करनी पड़ती है। इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि अब वो उसको खोद और खोद नहीं सकते थे वहाँ पे। और फिर वो लोग उस कुत्ते पर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उस कुत्ते ने उनके लिए ट्रेजर नहीं ढूंढ के दिया बल्कि एक डेड किटन ढूंढ के दिया है। तो वो क्या करता है, ओल्ड आदमी उसको लात मारता है और इतनी ज़ोरों से लात मारता है और तब तक मारता रहता है कि जब तक वो मर नहीं जाता। और फिर वो जो बूढ़ी औरत होती है वो तो और भी ख़राब होती है, वो उसके सर को चॉप कर देती है, काट देती है। और फिर वो जो उन्होंने गड्ढा खोदा होता है उसी गड्ढे में उस कुत्ते को डाल करके, उसकी लाश को डाल करके उसके ऊपर से मिट्टी डाल देती है। कारकेस का मतलब होता है बच्चों डेड बॉडी, डेड बॉडी। तो उसकी बॉडी को ज़मीन में वहीं उसी गड्ढे में डाल करके उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं वो लोग। द ऑनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मोरिंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट ऑल नाइट अंडर द पाइन ट्री। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली
स्टिक्स ऑफ इंसेंस ही मॉन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव। तो बच्चों फिर उसके बाद जब वो जो कुत्ते के ऑनर होते हैं उनको पता चलता है उसके अपने कुत्ते की डेथ के बारे में, तो वो लोग इतना रोते इतना शोक मनाते हैं जैसे कि उनका खुद का बच्चा जो था वो मर गया है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। इस तरीके से वो लोग बहुत रोते हैं, बहुत ही शोक मनाते हैं। और फिर उस पाइन ट्री के नीचे जा कर के जहाँ पे उन्होंने उसे दफनाया होता है वहाँ पे जा कर के कुछ बैम्बू ट्यूब्स जो है वो चार बैम्बू ट्यूब्स गाड़ देते हैं और इस तरीके से उसको पूरा डेकोर कर देते हैं, इस तरीके से पूरा सजा देते हैं जैसे कि वो किसी इंसान की कब्र को सजाया जाता है ना, चारों तरफ से कुछ डंडे वंडे लगा करके और उस पर फूल फ्रेश फूल बिछा करके, तो इस तरीके से उसको पूरा बिछा देते हैं। और देखो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं आप। और फिर साथ में क्या करते हैं उसके ऊपर काफ़ी सारे फूल बिछा देते हैं, एक कप में पानी रख देते हैं, एक ट्रे में खाना रख देते हैं और बहुत सारी महंगी महंगी जो अगरबत्तियाँ नहीं होती हैं धूप बत्ती अगरबत्ती वो सारी वहाँ पे जला देते हैं इस तरीके से वहाँ पे जा करके, और काफ़ी रोते हैं। और वो जो ओल्ड मैन होता है जो उसका मालिक होता है वो बहुत रोता है वहाँ पे जा करके और उसे बहुत सारे नामों से बुला रहा होता है जैसे कि वो ज़िंदा हो और वो उसकी आवाज़ सुन करके उसके पास आ जाएगा। इस तरीके से वो काफी वहां पे शोक प्रकट करता है, इस तरीके से उसका मालिक वहाँ पे बहुत ही शोक प्रकट करता है। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मील फॉर योर बीन सॉस। तो उसी रात को जो कुत्ता होता है उसकी आत्मा अपने मालिक के सपने में आती है और उस बूढ़े आदमी को बोलती है कि मेरी जो कब्र के ऊपर पाइन ट्री है उसको तुम काट दो और उसको काटो इस तरीके से कि उसकी लकड़ी से आप एक ना राइस पेस्ट्री के लिए मोर्टार बनाओ, यानी कि एक बाउल बनाओ। मोर्टार का मतलब बच्चों बाउल होता है कटोरा, एक बड़ा सा कटोरा बना लो जिसमें आप राइस पेस्ट्री बनाओगे और एक मिल बना लो, एक चक्की बना लो जिससे कि आप ना बीन सॉस बना सको। तो इस तरीके से वो उसको ऑर्डर मतलब इस तरीके से वो अपने मालिक को बताता है मालिक के सपने में आके। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग विद अ ग्रेट लेबर पार्टली बाय फायर पार्टली बाय चीजल ही स्क्रैब्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस। तो जो कुत्ते का मालिक होता है वो जाता है उस पेड़ को काटता है और उसके ट्री के ट्रंक का 2 feet बराबर एक सेक्शन बनाता है, 2 feet बड़ा एक सेक्शन टुकड़ा बनाता है और फिर बहुत सारी मेहनत करके, क्योंकि इतना आसान नहीं है ना लकड़ी काटना, तो वो बहुत ही मेहनत करके थोड़ी सी आग की मदद लेके, थोड़ा सा अपने चीसल्स की मदद लेकर के, है ना, औजारों की मदद लेकर के उस बड़ा सा गड्ढा बनाता है, एक हॉलो प्लेस बनाता है ताकि वो एक स्मॉल बाउल का काम कर सके। और फिर एक लंबा सा हैंडल वाला एक हैमर बनाता है जिससे कि वो पाउंडिंग ऑफ राइस कर सके, यानी कि जो राइस है उसको क्रश कर सके और ग्राइंड कर सके, मतलब राइस को पाउंड करने के लिए वो एक हैमर बना लेता है और एक बाउल बना लेता है जिसमें वो राइस पुडिंग को बनाएगा, राइस पेस्ट्रीज को बनाएगा। तो फिर क्या होता है आगे देखते हैं। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड ग्रैनी पुट इट इन टू द मोर्टार द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मैस इन टू डो एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल ready for baking. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coin. When the old man took the hand mill and filling it with the beans began to grind, the gold dropped like rain. तो फिर क्या होता है, न्यू ईयर आने वाला होता है तो बूढ़े कपल जो है वो सोचते हैं क्यों ना राइस पेस्ट्रीज बना लिया जाए बेचने के लिए। तो जो बूढ़ी औरत होती है वो चावल को बॉईल करती है और फिर उसको एक बड़े से मोर्टार में एक बड़े से बाउल में डालती है और वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो हैमर उठाता है और उस राइस को पाउंड करने के लिए और डो बनाने के लिए उसमें जैसे ही वो उसको हिट करता है मारता है सडनली जो सारा का सारा राइस है वो गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो पूरा मास जो उन्होंने बनाया होता है वो जो राइस का वो पूरा का पूरा गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो बूढ़ी औरत वो हैंड मिल को उठाती है जो कि उन्होंने पाइन के ट्री से ही बनाई होती है और फिर वो बीन्स को उसमें डालते हैं ग्राइंड करने के लिए ताकि वो बीन्स का सॉस बना सकें। और जैसे उसको रोटेट करते हैं जैसे उसको चलाते हैं उस हैंड मिल को वैसे उसमें से ऐसा लगता है जैसे कि सोने की बारिश होने लग जाती है, सोना ही सोना हर तरफ आ जाता है। मीनवाइल द एंबिशियस नेबर
नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड। तो उस समय ना जब ये सब काम हो रहा होता है, वो सब चीजें सोने में कन्वर्ट हो रही होती हैं, उनके जो लालची नेबर्स होते हैं वो वहां से झांक रहे होते हैं खिड़की में से, और वो देख लेते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है। ये जब राइस को बॉइल कर रहे हैं और बीन्स को जब उसमें हैंड मिल में डाल रहे हैं, तो सब कुछ गोल्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है। गुडी मी, क्राइड द ओल्ड हैग एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू गोल्ड येलो गोल्ड अंटिल अ फ्यू मिनट्स ऑफ टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। और वो जो बूढ़े कपल होते हैं बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनका जितना भी वो जो राइस वगैरह होता है और बीन्स होती हैं, वो सब कुछ येल्लो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और एक मिनट के अंदर ही उनका पूरा टब जो है वो गोल्ड से भर जाता है। ये देख के वो लोग बहुत खुश होते हैं। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, तो अब वो जो ओल्ड कपल है वो दोबारा से अमीर हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड द विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टार एंड मैजिक मेल। दे फिल्ड वन विद द बॉइल्ड राइस एंड अदर विद द बीन्स। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वीमेन टू ग्राइंड, बट एट द फर्स्ट ब्लो and turn the pastry and the sauce turned into fall mass of worms. Still more angry at this, they chop the meal into the pieces to use as firewood. तो अगली सुबह क्या होता है, वो जो दोनों चलाक और एकदम धूर्त जो उनके पड़ोसी हैं वो दोनों कपल आते हैं उनके पास, वो दोनों हस्बैंड वाइफ आते हैं उनके पास, और वो जो मोर्टार और मैजिक मिल होता है उनसे उधार मांग के, उनसे बोरो करके ले जाते हैं। और फिर घर जा कर के एक में तो वो बॉयल्ड राइस रख देते हैं और दूसरे में वो बीन्स रखते हैं, और जो आदमी होता है वो जो धुर्त वाला आदमी होता है वो राइस को पाउंड करने के लिए तैयार हो जाता है, और जो वीमेन होती है वो ग्राइंड करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो जैसे ही पहला झटका उसमें मारते हैं, जो उनकी पेस्ट्री है और जो उनका सॉस है वो सब ना बहुत सारे कीड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सारा फाउल मास ऑफ वॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो लोग बहुत गुस्सा होते हैं कि ये तो गोल्ड नहीं बना, और वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उस मोर्टार को और उस मैजिक मील को वो लोग काट करके टुकड़े करके उसको आग जलाने के लिए लकड़ी बना डालते हैं उसकी। मतलब देखो कितने ख़राब हैं, दूसरे से एक चीज़ बोरो करके भी लाएं, और अगर उसने उनके लिए काम नहीं किया तो उसको फिर से काट दिया, ख़राब कर दिया, जैसे कुत्ते को एक बार काट दिया था, और अब इनकी मोर्टार और इनका जो मैजिक मील था इसको काट दिया। तो पार्ट वन वहीं पे खत्म हो जाता है बच्चों। पार्ट टू देखते हैं कि पार्ट टू में क्या होता है। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। टेक द एशेज ऑफ द मिल स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन सेट द डॉग स्पिरिट। और फिर उसके थोड़े समय बाद ही उस अच्छे वाले जो ओल्ड मैन होता है उसके सपने में दोबारा से उसके कुत्ते की आत्मा आती है, और वो बताती है कि किस तरीके से उस खराब कपल ने, उन विग्ड पीपल्स ने उनकी मील को और मोर्टार को काट दिया है जो कि पाइन ट्री से बनी थी, और उसको जला दिया है। और फिर वो डॉग की स्पिरिट जो होती है, डॉग की आत्मा जो होती है, वो बोलती है कि जाओ उनके घर से जो ऐशेज हैं उसको जलाने के बाद जो राख बनी है वो राख लेकर के आओ, और उसको जो खराब पेड़ हैं, जो सूख गए हैं पेड़ या जो मुरझा गए हैं पेड़, उन पर डाल दो, और जैसे ही तुम उसे राख को उन मुरझाए हुए पेड़ों पर डालोगे वैसे ही वो पेड़ जो हैं दोबारा से ब्लूम हो उठेंगे, दोबारा से खिल उठेंगे। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विग्ड नेबर्स हाउस वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉर्म्ड देयर हैंड एंड फीट फ्रॉम विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट ऑफ द मिल वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेज। और फिर वो आदमी जो है, अच्छा वाला बूढ़ा आदमी जो है, उठता है और तुरंत ही अपने विग्ड नेबर्स के घर में जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो जो खराब वाले कपल है ना, जो दोनों गंदे वाले जो कपल हैं, वो लोग फायर प्लेस के पास, आग जलाने वाली जो जगह है उसके पास बैठे हुए हैं और बारी बारी से आग सेक रहे हैं, और वो जो लकड़ी उन्होंने जला रखी है वो मिल की लकड़ी है, आधी लकड़ी वो जला चुके हैं और आधी पीछे लगी हुई है कि वो जलाने के लिए उसको रेडी रख रखा है उन्होंने। तो इस तरीके से वहाँ पे सीन होता है, और वो आदमी, अच्छा वाला आदमी, वहाँ पहुँच जाता है उनके घर। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज दो द कवेटियस कपल टर्नड अप देयर नोजेज एट हिम एंड स्कॉल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज। वो जो अच्छा वाला बूढ़ा आदमी होता है वो बहुत ही हम्बल तरीके से उनसे बोलता है कि क्या मैं यहाँ से एशेज जो है, इसके राख जो है, वो ले जा सकता हूँ। और वो जो
बुरे वाले कपल होते हैं उन्हें लगता है भाई ये क्या है, ये तो ये बात तो उनको समझ में नहीं आती कि क्यों मांग रहा है, और वो उसकी इतनी बेइज्जती करते हैं जैसे कि वो कोई चोर हो, उनके घर में घुस गया हो, एक तो उसकी चीज़ लेकर के ही तोड़ करके जला दी उन्होंने, और ऊपर से उसको ऐसे बेइज्जत कर रहे हैं जैसे कि वो कोई चोर हो, लेकिन फिर भी उसको वो ले जाने देते हैं कि एक बाल्टी भर के तुम ऐशिज जो है उस लकड़ी इसे जो राख बनी है उसे ले जा सकते हो। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, इट बीन्स विंटर, देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट एंड लो इट स्प्राउट ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम विच परफ्यूम द एयर, द न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेज एंड एवरी वन रेन आउट टू सी द वंडर। और जैसे ही वो अपने घर आता है, अच्छा वाला आदमी जो है अपने घर आता है, वो अपनी वाइफ को गार्डन में लेकर के जाता है, और क्योंकि विंटर का समय है और जो चेरी है उनका फेवरेट पेड़ है जो, वो बिल्कुल ही बेयर पड़ा था, बिल्कुल ही मुरझाया हुआ पड़ा था, तो वो क्या करते हैं थोड़ा सा ऐश लेकर के, एक पिंच ऐश लेकर के उसके ऊपर डाल देते हैं, और जैसे ही राख उसके ऊपर पड़ती है वो पिंक कलर के फ्लावर्स के साथ पूरा खिल उठता है, और ये जो न्यूज़ है, ये चमत्कार की जो कहानी है, ये पूरे गाँव में फैल जाती है, और हर कोई बाहर आकर के ये चमत्कार देखने के लिए खड़ा हो जाता है। द कोवेटियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग ऐश टू ऑफ द मिल कैप देम टू मेक विदर्ड ट्री ब्लॉसम। तो वो जो चलाक वाले कपल होते हैं, गंदे वाले, और जो लालची कपल होते हैं, वो लोग ये कहानी जब सुनते हैं तो वो भी जो रिमेनिंग ऐश होती है उनके पास, जो और राख पड़ी होती है उनके फायरवुड में, वो इकट्ठा करते हैं, और वो भी सोचते हैं कि हम भी इस तरीके से जो सूखे पड़े हुए पेड़ हैं उनको दोबारा से ब्लॉसम करेंगे, दोबारा से खिलाएंगे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज सेट आउट टू सी हिम टेकिंग द हिज बास्केट ऑफ एशेज, एज द ट्रेन अप्रोच हिज क्लाइम्ड अप इन टू द ओल्ड विदर चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। और फिर वो जो आदमी है, अच्छा वाला आदमी, वो सुनता है कहाँ ये बात सुनता है कि उनका जो राजा है, जो उनका डेमियो है, वहाँ उनके गाँव के पास से ही गुजरने वाला है हाई रोड से, और उसकी जो राज सवारी है, जो उसकी ट्रेन है, वो वहाँ से अप्रोच करने वाली है, जो उनका एक्चुअल में यहाँ पे ट्रेन का मतलब ना बच्चों वो कि उसकी जो पूरी की पूरी जो सवारी जाने वाली है, जैसे आगे घोड़े चल रहे होते हैं, हाथी चल रहे होते हैं, फिर राजा पालकी में चल रहा होता है, रानियां होती हैं उनके साथ, बहुत सारे पैदल चलने वाले सिपाही होते हैं, तो इस तरीके का जो उनकी पूरी प्रोसेशन है उसको ट्रेन कहा गया यहाँ पे। तो वह वहाँ से ही, पास से ही गुजरने वाली होती है, तो जो अच्छा वाला आदमी होता है वो अपने साथ वो पूरी बास्केट फुल ऑफ एशेज लेकर के पेड़ पर चढ़ जाता है। नाउ इन द डेज ऑफ डेमियोज इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पासेस बाय ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, दे इवन पास देम फास्ट विद द स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑफ हिज ऑन हिज लॉर्डशिप, ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल डाउन देयर hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। तो बच्चों ये उस समय का रिवाज होता है, कस्टम होता है कि जब लॉर्ड की, जब उनके महाराज की सवारी वहाँ से निकलेगी, रॉयल प्रोसेशन जो है वहाँ से निकलेगा, तो जितने भी आम लोग हैं, जो लॉयल लोग हैं, वो लोग सारे के सामने ज़मीन पर लेट करके और अपना सर नीचे झुका करके इस तरीके से वहाँ पर खड़े रहेंगे, और जो हाई विंडोज़ हैं सब कुछ शट कर दिया जाएगा, कोई भी मतलब राजा की तरफ आँखें उठा करके नहीं देखेगा, सब कुछ सब लोग अपने हाथ और सर को नीचे झुका करके और या फिर घुटने पे बैठ करके इस तरीके से राजा का स्वागत करेंगे, रास्ते में किनारे किनारे खड़े होकर के या लेट करके, इस तरीके का वहाँ पे कस्टम था। द ट्रेन ड्रू नियर, वन टॉल कंपेटेंट मैन मार्ज अहेड क्राइंग आउट द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, एंड ऑल वर नील डाउन वाइल द प्रोसेसन वॉज पासिंग। तो जब उनका जो सवारी है वो पूरी आ रही होती है, तो एक आदमी जो है आगे आगे भाग करके आता रहता है और बताता रहता है सबको कि भाई जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ जाओ, जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ जाओ, और सारे लोग सुन करके कि हाँ रात सवारी जो है वो आने वाली है, सारे के सारे अपने अपने घुटने पर हो जाते हैं, नील डाउन हो जाते हैं। सडनली द लीडर ऑफ द वैन काउट द साइट ऑफ एज मैन अप इन द ट्री, ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट ऑफ हिम इन द एंग्री टोन, बट
seen he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the trees, in a moment burst into blossom. तू जो राजदरबारी राजसवारी जो होती है, जब जा रही होती है वहां से, जो उनका सेना का दरबारी होता है, वो देखता है कि भाई एक बूढ़ा आदमी जो है पेड़ पर चढ़ा हुआ है, और वो गुस्से में उसको उतारने के लिए बोलने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो सोचता है यार इतना बूढ़ा है, कोई नुकसान नहीं है, चलो कोई बात नहीं, और इससे इस तरीके से एक्टिंग करता है जैसे कि उसने उसे देखा ही नहीं है, और पूरी जो राजसवारी है उसको आगे बढ़ने देता है, वो मतलब वो नोटिस नहीं करता कि वहाँ पे कोई आदमी है जो कि इस तरीके से डिसोबे कर रहा है उनके ऑर्डर को। और जैसे ही वो राजा की जो वैन है, राजा की जो गाड़ी है, वो वहाँ से गुजरती है, तो वो जो ऊपर अच्छा वाला बूढ़ा आदमी जो बैठा होता है पेड़ पर, वो अपने बास्केट में से थोड़ी सी ऐश जो है, थोड़ी सी राख जो है, वो पेड़ के ऊपर डालता है, स्कैटर करता है, और जैसे ही वो स्कैटर करता है, वैसे तुरंत वो जो पेड़ मुरझाया हुआ सा पड़ा था, वो तुरंत ब्लॉसम हो उठता है, तुरंत खिल उठता है। द डिलाइटेड डैमियोज ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम। He thanked him and ordered present of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. और फिर वो राजा जो है इतना खुश हो जाता है, इतना डिलाइट हो जाता है कि वो अपनी जो जो राज सवारी निकल रही होती है उसको कहता है, रुकने के लिए कहता है, और कहता है कि उस आदमी को बुलाया जाए, और वो जब अच्छे वाले बूढ़े आदमी को उसके पास बुलाया जाता है तो उसको थैंक यू बोलता है, उसको अलग अलग तरीके के सिल्क रोब्स और केक्स और फैंस, इस तरीके की चीज़ें जो है उसको रिवॉर्ड में देता है, इनाम में देता है। ये सारी चीज़ें उस समय में इनाम में दी जाने वाली चीज़ें होंगी, तो ये सब चीज़ें उसको इनाम में देता है, और यहाँ तक कि उसको अपने कासल में, अपने महल में भी इनवाइट करता है कि भाई मिलने आना हमसे, इस तरीके से उसका बड़ा सम्मान करता है। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। और फिर वो बूढ़ा आदमी खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपनी प्यारी बीबी से वो सारी बातें शेयर करता है कि किस तरीके से आज उसके साथ क्या हुआ। बट वैन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. तो जब ग्रेडी जो कपल हैं वो सुनते हैं इस बारे में, तो वो थोड़ी सी मैजिक ऐश को लेकर के हाईवे पर चले जाते हैं। देयर ही वेटेड अंटिल अ डैमियोस ट्रेन केम अलोन एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री। जो बूढ़ा ग्रीडी आदमी जो वो हाईवे पे चला जाता है, तो इंतजार करता है कि कब रास सवारी जो है वो वहां से गुजरेगी, और वो सबकी तरह नील डाउन होने की बजाय, घुटने पर बैठने की बजाय, एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ जाता है। When the daimyo's himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew and the fine dust in the noses and the eyes of the daimyo's and his wife, such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession. The man whose business it was to cry, get down on your knees, seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him in his and his ash basket into the ditch by the road, then beating him soundly he left him for dead. तो जैसे ही राजा जो खुद स्वयं जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, तो वो जो गंदा वाला आदमी होता है, लालची वाला बूढ़ा आदमी होता है, वो ना मुट्ठी भर ऐश लेकर के उस पेड़ पर फेंक देता है कि अभी ये खिल उठेगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता, और हवा के झोंके से जो ऐश के जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो राजा के और रानी की आँख और नाक में घुस जाते हैं, और उनको बहुत ही स्नीजिंग और चौकिंग होती है, बहुत छींक आती है, गले में जम जाता है, और जो भी पॉम्प एंड डिग्निटी हुई होती है, जो भी आलीशान राज सवारी निकल रही होती है, वो पूरी की पूरी बेकार हो जाती है। ऐसा लगता है सब कुछ खराब हो गया, क्योंकि राजा रानी जो है वो स्नीज करने लग गए, चौक हो गए, तो उस आदमी को पेड़ से उतारा जाता है और खींच करके, कॉलर पकड़ के खींच करके रोड पे लाया जाता है, और राजा के जो दरबारी होते हैं उसको तब तक मारते हैं, उसको खूब मारते हैं, तबीयत भर के उसको मारते हैं, और उसको वहीं रोड पर मरने के लिए छोड़ देते हैं और आगे चले जाते हैं। दस द वीक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और इस तरीके से वो जो खराब और लालची बूढ़ा आदमी होता है वही मिट्टी में मर जाता है। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग dwelt इन द पीस एंड plenty एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ lived इन द ग्रीन ओल्ड एज। और वो जो कुत्ते का प्यार करने वाले जो ओल्ड कपल होते हैं, वो बहुत ही पीसफुली और बहुत ही हरी भरी जिंदगी, बुढ़ापे की जिंदगी जो है वो बिताते हैं, मतलब बहुत ही एक्टिव, हेल्दीली एक्टिव और प्रॉस्पेरस तरीके की जो लाइफ होती है वो बिताते हैं। तो किस तरीके से एक एनिमल पे दया करके और एनिमल को प्यार करके उनकी ज़िंदगी जो है हमेशा के लिए अच्छी हो ही रहती है, और किस तरीके से एनिमल्स का
मारने वाले और उसका अपमान करने वाले की ज़िंदगी जो है पूरी बर्बाद हो जाती है और लास्ट में उसको सड़क पर ही मरना पड़ जाता है। इस तरीके की ये स्टोरी थी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, आप उनको जानने के लिए और साथ में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जानने के लिए हमारी वेबसाइट allsol.in पर विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर के आएँ तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग।